हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रेस डिज़ाइनिंग इन कोरल ड्रॉ। ड्रेस डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है और अगर कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है और उसके स्केचेस बहुत अच्छे हैं, बिकॉज स्केचेस आप अगर करते हैं एज अ हॉबी और आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद ही आप ये सीख सकते हैं, लेकिन आप अपने स्केचेस को विजुअली और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने गूगल से सर्च किया और मुझे एक अच्छा स्केच मिला, और फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स हैं तो ऑलरेडी आपने ये ड्रेस बनानी आपको आती होगी कि किस तरीके से हम स्केचेस बनाते हैं और उन स्केचेस को कैसे हम कलरिंग करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस स्केच को यहाँ पे ओपन कर लिया है और इस स्केच को मैंने लॉक कर दिया है। तो लॉक इसलिए किया है क्योंकि अगर गलती से मैं इसको इधर उधर मूव करूँगा तो ये मेरे जो कंटेंट हम ऊपर से क्रिएट कर रहे हैं वो हट भी सकता है, तो मैं उसको एक सेंटर पेज के सेंटर में लाता हूँ। तो किसी भी स्केच को और या किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर लाने के लिए आप प्रेस करें पी। तो जैसे हम पी प्रेस करेंगे हमारे पेज के सेंटर अलाइन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट मूवेबल नहीं है, इसको हम स्पेसिफिकली जिस एरिया पे हमें चाहिए हम उसको वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे को जो डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन करना है, सपोज़ हम इसके हैंड्स वाला पार्ट जो है फ्रिल्स, उनको हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, और मेरा सबसे फेवरेट इसमें बीजियर है, बिकॉज बीजियर इज़ लाइक टू मेक योर शेप अकॉर्डिंग टू योर नीड, बिकॉज बाकी सब पे हम इतनी जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मेरा फेवरेट यही है, मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। तो मैंने एक सिंपल एक ट्राइंगल ऑब्जेक्ट बनाई, अगर आपको ये एक स्क्वायर में इसमें दिख नहीं रही है एक ट्राइंगल, तो आप किसी भी कलर को राइट क्लिक करके उस कलर को हम यहाँ पे अपनी आउटलाइन में प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैंने एक स्केच बनाया, डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक बुलेट टू कर्व, और इसको मैं मूव करता हूँ, राइट क्लिक टू कर्व। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये टू कर्व तभी आएगा जब आपका जो कर्व होगा वो स्ट्रेट कॉर्नर्स में होगा, अदरवाइज़ वो आपको कर्व ऑलरेडी मिलेगा। कि अगर सपोज हमने कुछ ऐसा स्केच बनाया है और इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसको टू कर्व करना चाहूँ तो नहीं मिलेगा कि यहाँ पे टू लाइन है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कर्व। सो इसका आप ध्यान रखना। और ये मेरे पास एक मैंने शेप बना ली है, इस शेप को मैं अभी कोई भी कलर फिल करके दे रख सकता हूँ। तो कलर फिल करने के लिए आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और किसी भी कलर पे लेफ्ट क्लिक करना है और वो कलर हमारे पास फिल हो जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं अगर आपको उसको और एडिट करना है, नोड को मूव करना है, हैंडल को एडजस्ट करना है, टेंजेंट्स मूव करने हैं, वो सब आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको भी चाहता हूँ कि थोड़ा कर्व हो, तो टू कर्व, मैं इसको भी थोड़ा कर्व कर देता हूँ जिससे वो शेप कुछ अच्छी लगे हमारे को। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ी सी थिकनेस हो, तो मैं आप डबल क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को कि आपको कैसा पॉइंट चाहिए, किस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, और पॉइंट को लेने के बाद एक मैंने शेप बना ली है, मैं इसी शेप को एक और डुप्लीकेट करता हूँ। तो डुप्लीकेट करने के लिए बहुत ईजी है शॉर्टकट, या तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे या फिर आप सिंपली ऑब्जेक्ट को मूव करो और राइट क्लिक प्रेस करें। राइट क्लिक प्रेस करते ही आपके पास वो ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट हो जाएगा। डबल क्लिक करें, दोनों नोड को सिलेक्ट किया आपने, उसको प्लेस किया, और आप चाहते हैं ये थोड़ा थिक हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी जो टेंजेंट्स हैं और नोड्स हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ लेता हूँ इसको, और ये मेरा कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। स्केच में और इसमें यही एक अंतर है कि यहाँ पे आपके पास मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं, कंट्रोल जेड होता है, तो आप अगर आपने स्केच थोड़ा सा रफ भी बनाया है बट यहाँ पे आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में एडिट कर सकते हैं। तो आपको बस एक रफ स्केच बनाना है, और रफ स्केच बनाने के बाद इस तरीके से उसको ट्रेस करना है। तो यहाँ मैंने अभी तीन शेप बनाई है, इसके बाद देखूँ तो ये एक शेप मेरे पास बहुत लॉन्ग शेप है जिसके तरीके से वो डिज़ाइन है, तो मैं इसके लिए यहीं पर रखता हूँ डबल क्लिक, और इस नोट को मैं नॉर्मली यहाँ रखता हूँ, इसका हैंडल इधर रखते हैं, और टेंजेंट्स हम वैसे ही मूव कर दें कि लाइक मेरे को ये कुछ शेप ऐसी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये एक शेप ऑलरेडी रेडी हो गई है, और इस शेप को हम मेंटेन कर सकते हैं कि टेंजेंट जो है उसको थोड़ा सा पिक करने में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको आराम से करेंगे तो वो हो जाएगा। और ये मेरे पास एक बेसिक शेप बन गई है, और लेफ़्ट साइड का जो है उसको हम एज इट इज़ इसी को ही हम डुप्लीकेट कर लेंगे, तो हमारे को इतना प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ये डिज़ाइन करना है।
अब हमारे को चाहिए कि इस तरीके से यहाँ पे ये फ्रिल बहुत लंबा है और उसने इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, तो मैं वही बीजियर कर्व यहाँ पे भी लेता हूँ और इस तरीके से एक सीधा बीजियर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, एक यहाँ प्लेस करता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा कि हमें कितने कर्व के लिए कहाँ आपको नोट्स देनी है। तो यहाँ पे अब एक सिंगल है तो राइट क्लिक, और मैं इस पे नोट पे क्लिक करता हूँ, पहले राइट क्लिक, बोला टू कर्व, और टू कर्व करने के बाद मैं इसको एज अ टेंजेंट इसको सेट करता हूँ, और सेम इसको भी टू कर्व, लाइक मैं इसको थोड़ा सा बाहर रखना चाहता हूँ, और जो मेरा ये वाला टेंजेंट है इस टेंजेंट को थोड़ा सा कर्व इधर, और इनको मैं इस तरीके से ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ। ये टू लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी टेंजेंट है, तो मैं इसको बस क्लिक करके ही एडिट कर सकता हूँ कि जो ये मैंने कर्व किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इसे टू कर्व कर सकते हैं और उस टेंजेंट को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं जो शेप आपको चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास वो शेप रेडी हो गई है। अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम कलर फिल करके देखें तो ये किस तरीके से है, लेकिन इसके अंदर एक शेड भी है। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस देखूँ तो एक शेड है मेरे पास, तो मैं शेड के लिए एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर आउटलाइन और चाहिए। तो मैं यहाँ से मैंने एक कर्व बनाया और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ इस तरीके से, और इस शेप में से जो मैंने ये शेप बनाई थी ऑलरेडी, इस शेप में से मैं उसको एक तरीके से इंटरसेक्ट कर दूँगा, जिससे मेरे पास एक शेप और एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो मैंने अपनी जो अभी मैंने जो शेप बनाई है उस शेप को सिलेक्ट करते हैं, और उस शेप को सिलेक्ट करने के साथ शिफ्ट प्रेस करके हमने दूसरी शेप को पिक किया, और यहाँ से हम इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इंटरसेक्ट क्लिक करते ही आप अपनी मेन शेप हटा सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो शेप्स आ गई एक तरीके से शेड के लिए, जो हमारे को शेड क्रिएट करनी होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ यहाँ पे एक और डिज़ाइन करना है, तो आप चाहो तो इसी को ही हम एक तरीके से रेप्लिका यूज़ कर सकते हैं, कि मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और आप डबल क्लिक करके यू कैन एडजस्ट द नोट्स कि मुझे ये नोट यहाँ चाहिए और इस पॉइंट को, मतलब आपको दोबारा रिपीट करने की कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इन्हीं को ही मॉडिफाई करके, बिकॉज शेप एक ही है और उसको हम शुरू से बनाते तो उसमें टाइम लगता, तो हम उसको टाइम को अपने को सेव करते हैं इन चीज़ों से, कि हम इन्हीं को ही मॉडिफाई करके उस शेप को डिज़ाइन कर लें कि मुझे वो एक तरीके से फ्लिप्ड चाहिए। तो मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें मेरे को करनी पड़ रही हैं, तो आपको ईजी रहेगा क्योंकि हम शुरू से बनाते तो वो टाइम टेकिंग है, तो हम अपना टाइम को थोड़ा सेव करते हैं इस स्टाइल के थ्रू। और आप जैसे जैसे टेंजेंट को पिक करेंगे उस स्टाइल में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं कलरिंग की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कलरिंग इज सेकेंडरी, फर्स्ट है कि हमारे को एक बेसिक जो शेप स्केच है वो हमारा डिज़ाइन हो जाए। ये एक हैंड के ऊपर रैप्ड है, तो मुझे पता है कि अब ये पीछे से सुरेल होके इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं आप उन पर डबल क्लिक करके यू कैन रिमूव दैट नोड ऑल्सो, कि आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, कि सपोज अगर आपको ऐड करना है तो आप उसको डबल क्लिक करके ऐड भी करेंगे और डबल क्लिक करके रिमूव भी करेंगे। तो ये एक शेप हमने डिज़ाइन कर ली, मैं इन सबको एक ही कलर दे देता हूँ जिससे वो डिफ़ॉल्ट दिखें, और मैं आउटलाइन येलो ही रखता हूँ कि मुझे येलो ही आउटलाइन अभी रख लेते हैं। ये मेरा अभी साइड एरिया डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे को जो इसके वेस्ट एरिया में और जो यहाँ पे जितने भी रैप्स आ रहे हैं इनको मुझे डिज़ाइन करना है, तो इनको डिज़ाइन करने के लिए आप चाहो तो ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रिक यूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ से एक स्ट्रोक आर्टिस्टिक ब्रश ले लेता हूँ, और आर्टिस्टिक ब्रश से मेरे को ये फ़ायदा रहेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये जो स्किन है, लाइक यहाँ पे देखें तो एक थिक लाइन से स्विल होके नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ से अलग अलग स्टाइल की आपके पास शेप्स होती हैं जिन शेप्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टाइल में। तो अगर मैं इस तरीके से कर्व डिज़ाइन करूँ तो वो एक यहाँ से इतना थिक आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा थिन वाला चाहिए तो आप थिन भी ले सकते हैं, तो मेरे को थिन ज़्यादा सही है बिकॉज मुझे सब नीचे की तरफ रैप्ड करने हैं। तो मैं यहाँ से इस तरीके से लेता हूँ और इसको थोड़ा थिक कर लेता हूँ लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि आप किसी कर्व सही से नहीं बन रहा है, तो आपने मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं होनी है कि आपको ये फील नहीं करना है कि ये नहीं बन रहा है इससे। आपको सिंपल नोट टूल में जाना है,
इसको सिलेक्ट करना है और इस कर्व को आप नॉर्मल पेन टूल की तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको फ्री हैंड ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप ये चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जिस भी कर्व को एडिट करना चाहें उस कर्व पर डबल क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं और उनकी प्लेसमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे को ऊपर राउंडनेस चाहिए तो मैं उस कर्व को थोड़ा सा गैप दे देता हूँ जिससे ऊपर की तरफ राउंडनेस रहे, और यहाँ से मैं उसको कर्व ले लेता हूँ कि हमारे को यहाँ चाहिए, और ये सब एक ही जगह जाके पिंच हो रहे हैं तो मैं इसको इसी तरीके से कर्व मान के चलता हूँ कि ये कर्व फ्लो इसी फॉर्मेट में जाए जिस फॉर्मेट में उसकी शेप है ड्रेस की। और यहाँ से फिर से मैं आर्टिस्टिक ब्रश ही लेता हूँ और फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। आपको वन टाइम में हो सकता है नहीं बने, लेकिन आप इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, वरना ये शेप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कोरल ड्रॉ के अंदर कि हम इसको कैसे शेप बनाएं। यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एरिया है। अगर आपको लगता है यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस कम लग रही है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यू कैन इंक्रीज द डेप्थ। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपसे एक भी अच्छा बन जाता है तो आप एक को भी कॉपी कर सकते हैं कि हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो आप कॉपी करके भी उन चीज़ों को एज अ सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं कि हाँ मुझे इसको थोड़ा छोटा चाहिए, डबल क्लिक, ये नोड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ से शेप मॉडिफाई कर सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ इस तरीके से शेप चाहिए। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है मेरे पास शेप जो हमें चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस का इशू है, बट वो थिकनेस मैं दूसरी किसी इफेक्ट से चेंज करूँगा, लेकिन ओवरऑल जो मेरे को सीन चाहिए वो मेरे को यहाँ पे मिल गया है। और इसके बीच में जो गैप आ रहा है वो और अच्छी बात है कि गैप है, बिकॉज मुझे अगर शेड देना होगा या कलर मुझे चेंज करना होगा तो मैं वो सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। तो मैं हल्की हल्की आउटलाइन को थिक जो नेस है उसको मैं कम कर देता हूँ, यहाँ क्लिक किया। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, आपको उस कर्व पे ही क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आप उसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पहले उसके तम पे क्लिक करता हूँ ब्लैक एरिया पे, और उसके बाद मैं उसकी थिकनेस को चेंज कर रहा हूँ जिससे वो अलग रहे शेप। अगर आपने टूल ले रखा है वही तो वो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस क्लिक किया और थिकनेस आपने सेट कर ली, तो मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा ही रखता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ प्रॉब्लम कर रहा था तो मैं इसको इस तरीके से दोबारा लिया। यहाँ पे डबल क्लिक, ये नोड नहीं चाहिए क्योंकि इतना नहीं है आगे तक, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार इतना शेप तैयार हो गया आप सबको सिलेक्ट कर लो। अब ये हमने एक आर्टिस्टिक ब्रश से बनाया है, तो आर्टिस्टिक ब्रश बनाने से क्या है कि आपको इसमें कई बार इसमें एक हिडन कर्व भी होता है जिसको हम नोड से एडिट कर रहे थे, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपने आर्टिस्टिक ब्रश से बनाया है तो आप उसको कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा ब्रेक अपार्ट, ब्रेक 12 ऑब्जेक्ट्स। तो आप जैसे 12 यहाँ पे ये जो हमारे पास 6 हैं उसके अंदर एक एक और थी तो वो 12 है, तो इसके अंदर एक छोटा कर्व है जिसको आप सेंटर से क्लिक करके सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट्स बन गई हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कोई भी कलर दे सकते हैं कि मतलब हमारे को ऐसा चाहिए। और मैं इसी को फ्लिप कर देता हूँ, और फ्लिप करके मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और शेप थोड़ी सी स्केल डाउन कर लेता हूँ जिससे मेरे को वो उसी से मैच कर जाए जो हम शेप बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये भी हमारे पास शेप ऊपर का भी डिज़ाइन हो गया है। आपको लगता है कि आपको और कॉपी की ज़रूरत है, यू कैन सिंपली स्केल के साथ में आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं जिससे वो जो हम यहाँ पे बैज लगाना चाहते हैं वो बैज को सेट कर पाएँ। और इसको हम सिंपली ऐसा रख लेते हैं और कंट्रोल प्रेस करके फ्लिप कर देते हैं, यहाँ से हम इसका एरिया छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को एक डायमंड टाइप का अगर कोई होगा तो मैं वो शेप डिज़ाइन कर दूंगा और उसको प्लेस कर दूंगा जिससे ये ओवरलैप हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये भी ऑब्जेक्ट रेडी है तो मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, और ये मेरे पास ऑलरेडी शेप बनी है डिज़ाइन ऑलरेडी, तो मैं इसको तो बस फ्लिप करना होगा, तो इसको हम बाद में ही देखेंगे। अब मुझे चाहिए नीचे एक रिबन चाहिए, तो रिबन के लिए सिंपली आप चाहो तो ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत इजी लगता है मेरे को इनसे काम करना। तो मैं यहाँ से ऐसा रिबन ले लेता हूँ और इस तरीके से ड्रॉ करना है, तो मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ। अब वो कई बार गड़बड़ हो जाती है तो आप नोट टूल लो, डबल क्लिक, कर्व कम कर दोगे उतना ही वो स्ट्रेट आ जाएगा। आपको यहाँ पे चाहिए राउंडनेस तो आपके पास सिंपली है एक टेंजेंट पिक करेंगे और हल्का सा इसको बैंड कर देंगे। तो हैंडल को इधर को नीचे किया, इसको थोड़ा नीचे किया, नोट को थोड़ा सा बाहर किया और वो रेडी हो गया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप प्रोफाइल को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सम राउंडनेस इन योर कर्व जस्ट क्लिक और वो राउंडनेस में हो जाएगा।
तो आपके पास यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शेप्स हैं, इन शेप्स को आप यूज़ करके ये रिबन्स और इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल के, जिससे ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये बेकार का जो सेंटर कर्व है उसको हम हटा लेते हैं। अब ये सिंपल ज्योमेट्री है। अगर आप चाहते हैं कुछ नोड के थ्रू एडिट करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको मैं 2 कर्व कर देता हूँ, थोड़ा सा राउंडनेस, तो सिंपल। अब यहाँ पे हमारे कुछ ये कुछ नोट इस तरीके का रैप्ड रिबन, तो हमने यहाँ से क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं इस तरीके से राउंडनेस लेता हूँ। और इसमें अगर हम चेक करें तो ये एक तरीके से सेंटर में स्क्वीज्ड है, तो मुझे यहाँ से अलग तरीके का रिबन लेना होगा, जिन रिबन के थ्रू वो स्टाइल बने कि हाँ हमने कुछ इस स्टाइल में लिया है। तो अगर ये ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है, कि सपोज़ यहाँ पर हम देखें कि ये ऊपर की तरफ है, तो आप चेंज कर सकते हो कि आप इसको फ्लिप कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में। तो मैं यहाँ पे, आप चाहो तो शेप के अकॉर्डिंग, वरना बहुत इजी होता है इसके थ्रू बनाना, कि आपने यहाँ पे एक बेसिक शेप ली, इस तरीके से आपने एक कर्व बनाया, और ये आपने एक सेंटर कर्व, एक आपका ये सेट हो गया कि हमने ये एक शेप बना ली, और इसी का एक राउंड शेप हमने यहाँ से ये बना ली। तो अगर किसी को नोड टूल के थ्रू बनाना है, आप नोड टूल के थ्रू बनाओ, और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कंट्रोल पेज डाउन, नीचे हमारे को प्लेस करने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, जिससे वो पीछे की तरफ रहे। और इसमें हम चाहते हैं कि ये नीचे थोड़ा राउंडनेस ज़्यादा चाहिए, ये नोड की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं। पीछे हम ग्रेडियंट डाल के स्टाइल चेंज कर लेंगे बाद में, बट अभी हम नहीं कर रहे। और इसको ही मैं रेप्लिका इधर भी रख लेता हूँ, जिससे वो रिबन इधर रहे, कंट्रोल पेज डाउन, जिससे वो शेप नीचे की तरफ स्क्वीज रहे। और यहाँ से देखें तो एक बड़ा फ्रिल भी है यहाँ पे, जो शेप शेड के लिए है। तो आप यहाँ से सिंपली, और फिर वही एक अच्छी सी टेक्निक करते हैं कि हम यही क्यों ना यूज़ कर लें, तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो, यहाँ से हम बाहर आते हैं, डबल क्लिक, और अपने नोड को सिंपली बस एडिट करना है कि हाँ मेरे को ये यहाँ चाहिए, इसका कर्व यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ चाहिए, और यहाँ पे मैं स्क्वीज चाहिए। ये आपको, मैं तो आराम से कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर सकेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कोई नोड है, हाँ ठीक है, ये किससे काम हो रहा है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो एक नोड यहाँ पे भी है, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसके अंदर ही कर देता हूँ, जिससे वो ऐसा लगे कि वो उसके बैक साइड में है। यहाँ से हम कर्व को थोड़ा सा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ रखते हैं, और वो उसके नीचे ओवरलैप भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नोड को एडिट करने का एक आपको मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नोड को एडिट करते हैं, तो नोड को एडिट करते टाइम अगर आपका एक टेंजेंट मूव करेंगे आप, तो दूसरा टेंजेंट भी अगर मूव होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे इसको कस्प कर दीजिए। यहाँ पे इस कस्प नोड को क्लिक करेंगे तो आप इस टेंजेंट को ऑटोमेटिकली एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको शेप चाहिए। तो ठीक है, मेरे पास एक शेप, हमने यहाँ पर ये मान ली कि ये शेप कुछ इस तरीके की होगी, और यहाँ पे देखें तो ये नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे, तो मैं इस कर्व को डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ले लूँ। ठीक है, मेरे पास एक बेसिक ये भी पार्ट बन गया, और इसी पार्ट को मैं कंट्रोल प्रेस करके फ्लिप कर देता हूँ। चाहूँ तो मैं पूरा एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टाइल कुछ अलग है, तो मैं इस नोड को उठा के यहाँ लाता हूँ, और इसको स्टाइल को इधर रखा, जो दूसरी नोड है उसको मैंने यहाँ पे रखा, कर्व चेंज किया, ट्विस्ट। अगर मुझे चाहिए कि ये नोड अलग चाहिए, तो डबल क्लिक करो, आप नोड ऐड कर सकते हो, या फिर आप सीधा कर्व को पिक करके भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है अगर टेंजेंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो मैं उसको कम कर लेता हूँ, जिससे वो मेरा उसी स्टाइल में रहे जैसा मेरा स्केच है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है पार्ट शेप ऊपर की। आप नोड ऐड करके इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक शेप ये भी रेडी हो गई है, इधर का मेरा पार्ट ऑलरेडी रेडी है ही। अब मुझे चाहिए कि बेस गाउन मुझे फिल करना है, तो बेस गाउन के लिए मैं वही अपना रैप ऑब्जेक्ट लेता हूँ, और एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, क्योंकि मुझे चाहिए कि यहाँ से इसको राउंड करना है, यहाँ से इधर राउंड करना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि इधर क्लिक किया, पहले बेस कलर फिल कर देते हैं, फिर ऊपर से हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको फ्री एंड ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो अभी हम देखते हैं, अभी हम स्ट्रेट लेके चलते हैं। तो ये
हमारे पास एक सिंपल वे है किसी आउटलाइन को पूरी को फिल करने के लिए, तो मैं यहाँ से इसको फिल कर देता हूँ। ये कर्व बन गया, यहाँ पे हमारे पास कर्व नहीं है तो डबल क्लिक किया और इसको बोला टू कर्व। यहाँ से हमें राउंडनेस चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अंदर, यहाँ पे टू कर्व, और ये हमारे को ये वाला पार्ट चाहिए, इसको मुझे टू कर्व करके इसको राउंडनेस ऊपर चाहिए, और यहाँ पे नोड है, इस नोड को हमें थोड़ा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ चाहिए। यहाँ पे मेरे को फ्री एंड की भी ज़रूरत है थोड़ी सी, तो मैं इस फ्री एंड कर्व को कैसे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे को फ्री एंड लाने के लिए आप यहाँ से फ्री एंड टूल ले सकते हो, तो आप बी स्प्लाइन की जगह यहाँ पॉली लाइन लो। पॉली लाइन भी अच्छी चीज़ है कि आप पॉली लाइन से खुद मैनुअली, अब सेम तो है नहीं तो हम थोड़ा सा रैंडमनेस ले लेते हैं सेम शेप के अकॉर्डिंग। तो ये एक मैंने कर्व बनाया, मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। तो इसको शेप को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने वेल्ड कर दिया। अब लेकिन वेल्ड करने से पहले अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारे कर्व आ गए हैं, यहाँ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एग्जैक्टली ये है क्योंकि हमने फ्री एंड ड्राइंग की है। तो पहले तो इसको अगर हमने वेल्ड किया तो दोनों ऑब्जेक्ट्स प्रेस किया शिफ्ट, दूसरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की और बोला वेल्ड, तो अब ये पूरी एक शेप बन गई है। इस शेप में मेरे को लगता है यहाँ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ से जाके इसमें क्लिक करिए नोट टूल, और इसमें से आप जाके इसको स्मूथ ले सकते हैं, जिससे आप यहाँ थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को कम कर देंगे, जिससे वो इजीली शेप थोड़ी सी अच्छी रहे, वो उसको मेंटेन रखेगा लेकिन नोट्स को थोड़ा सा कम कर देगा। ये भी ऑलमोस्ट मेरे पास शेप रेडी हो गई है इस ड्रेस की। और यहाँ पे देखें तो मेरे को बीच में फ्रिल्स चाहिए होंगे, यहाँ पे लाइंस चाहिए होंगी, तो वो देखते हैं हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास बेसिक शेप पूरी रेडी हो गई है, तो मैं इसको भी फ्लिप कर देता हूँ जो मेरे हैंड्स के लिए है, और उस हैंड्स को मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल पेज डाउन, जिससे वो उसके पीछे रहे। और ये वाली जो फ्रिल है ये ऑलमोस्ट ठीक है जहाँ पे उसके ये वाली शेप है, तो आपको लगता है कि इसमें एक की ही ज़रूरत है तो मैं एक ही ले लेता हूँ। और ये आप कलरिंग के बाद भी ला सकते थे, ऐसा नहीं है कि अभी चाहिए, आप कलरिंग के बाद भी रख सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हैं, बट विजुलाइजेशन के लिए इज़ ओके। तो मैं इसको पिक करके कंट्रोल पेज डाउन कर लेता हूँ, जिससे वो उसके पीछे रहे, जो हमारी मेन ज्योमेट्री है उसके पीछे। अब मैं बेस कलर के अंदर कोई भी एक कलर दूंगा, तो ये एक शेप ऐसी दिख रही है, तो मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ, और कंट्रोल पेज डाउन करके मैं इसको नीचे जा सकता हूँ कि लाइक मेरे को बेस ये है हमारे पूरी इस ड्रेस का। तो ये अब मैं सबको एक कलर देने हूँ जिससे वो सब एक सी दिखें, और मैं यहाँ ब्लैक आउटलाइन देख लूँ तो मेरे को कुछ ड्रेस का एक बेसिक लेआउट आपको दिखने लगा होगा। नाउ अब मुझे चाहिए कि शेडिंग, जो मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की शेडिंग दिख रही है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। पहले मैं इस वाले पार्ट को पूरे को डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ के लिए आपको सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि जब भी ऐसी शेप्स हों, जब हमारे को सेम कलर का अगर कोई इफेक्ट देना है, अब अगर हम बात करें कि ये वाला एरिया थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो सकता है कि भाई उस ड्रेस के स्टाइल में ये एरिया उन्होंने ट्रांसपेरेंट रखा है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्री एंड फिर से एक बार ड्राइंग करते हैं कि यहाँ से हमने पॉली लाइन लिया और पॉली लाइन को माना कि ये एरिया कुछ इस तरीके से एक क्लोथिंग अलग है इसका पार्ट। तो मैंने ये एक शेप इस तरीके से लिया और इसमें से मैं ये इंटरसेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इसको इंटरसेक्ट पार्ट करता हूँ। इंटरसेक्ट पार्ट करने से ये एक शेप अलग हो जाएगी, और वो शेप लेकिन अभी भी पूरी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे उसको कट भी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बार जो आपने इंटरसेक्ट किया, कि जैसे ये एक शेप अलग है, ये एक शेप अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें ना दोस्तों, इसको सिंपल पहले अपनी ऊपर ओवरऑल जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसे आपको कट करना है जितना पार्ट, उसके साथ शिफ्ट प्रेस करके आपको इसको पिक करना है जो शेप है, इसको इंटरसेक्ट करना है जिससे ये शेप अलग आ जाए, फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, दोबारा अपनी ड्रेस को पिक करना है और ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने से क्या होगा कि अब ये शेप का कलर हम अलग दे सकते हैं और इस शेप का कलर हम अलग दे सकते हैं, जिससे स्टाइल उसका कुछ डिफरेंट हो जाए और जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे फ्लावर का काम है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है सेमी, तो मैं अगर चाहूँ तो ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ कर पाऊँगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि शेड की, तो मैं यहाँ ऑफ़ करता हूँ और यहाँ पे देखूँ तो छोटी छोटी शेड्स हैं,
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको अपने ड्रेस का कलर देना है, सपोज मेरा जो ड्रेस का कलर है वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके का कलर है, तो अगर मैं ये एक ड्रेस का कलर ले रहा हूँ तो मुझे जो शेड चाहिए वो भी इसी कलर की चाहिए। तो मैंने एक बार ये कलर मैंने फिल किया तो ये कलर यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कलर को चूज़ कैसे करूँगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अनफिल करता हूँ और पहले मैं यहाँ शेड देता हूँ। तो शेड देने के लिए आपको क्या करना है, शेड देने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका एक मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से आर्टिस्टिक ब्रश लो, शेप लो एक स्टाइल जो आपका एक तरफ पॉइंटेड हो और एक तरफ थिक हो, और उससे आप इस तरीके से एक रोल करो, मतलब आपने एक शेप बनाई है, ठीक है। इस शेप को आप यहाँ से थिक कर लो, जितना आपको लगता है कि उसके अंदर शेड की ज़रूरत है उतना आप इसको थिक कर सकते हो, जितनी शेड चाहिए आप उस स्टाइल में ले सकते हो, बिकॉज कर्व आपके हाथ में होता है कि हम उसको राउंडनेस कैसी चाहिए, किस तरफ को आपको मोल्ड करना है वैसा आप शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसी शेप बना लेता हूँ कि कुछ इस स्टाइल में ये कर्व बना, ठीक है। एक बार आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल के बीच का कर्व हटा दो, जो आपका हिडन कर्व है उसके अंदर, इसको आपने सिलेक्ट किया, अपनी इस शेप को सिलेक्ट करो और इंटरसेक्ट कर लो, तो जिससे वो शेप एक अलग आपको मिल जाएगी। अब आप उसको अलग अलग शेप में थिकनेस के साथ में अलग अलग स्टाइल में रख सकते हो, कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा थिक करते हैं, यहाँ पे हम ये वाला पार्ट के लिए एक और निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल फ्लिप करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से फ्लिप करता हूँ। आपको थिक करना है, उसको थिन करना है, दोनों चीज़ें आपके हाथ में, आप जैसी स्टाइलिंग देना चाहते हो उस स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग बस आपको उसको इंटरसेक्ट करके उस पार्ट को निकालना है। एक बार आपने अगर ये पार्ट्स निकाल लिए फिर आप उसमें शेड्स जैसी मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं इसको और इसको एक इंटरसेक्ट करके पार्ट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी ये चार शेड मान लेता हूँ, और नहीं एक शेड मेरे को यहाँ पे भी अच्छी लगेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ। मेन शेप को सिलेक्ट किया, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है कि आपको शेप आप सही सिलेक्ट करें, अलग अलग नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको बोलता हूँ कि ये सेम कलर ये है और ये ही सेम कलर ये है, तो आपको देखेंगे कि छोटे छोटे हिडन सरफेसेस यहाँ पे बन चुके हैं। इन सरफेसेस को आपको सिलेक्ट करना है, और सरफेस को क्या कर सकते हैं, शेड देने के लिए आप या तो ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अभी अगर आपको चाहिए कि सिर्फ डार्कनेस चाहिए तो प्रेस कंट्रोल और जो भी कलर उसमें ऐड करना चाहते हैं बस कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही हम ऐड करेंगे ब्लैक, तो उसके अंदर ब्लैक कलर और ऐड हो गया। आउटलाइन हटा दो, आउटलाइन को हटाने के लिए इस क्रॉस पे राइट क्लिक करते हैं, जिससे वो शेड थोड़ी सी अलग हो जाए। लेकिन ये शेड कुछ शेड सी लग नहीं रही है जैसे हम चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमने इसको सेम कलर में ही सपोज फिल कर दिया, ठीक है, सेम कलर में किया और इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए नन कर देते हैं। तो ये हमारे पास उसकी थिकनेस है, तो अब आप जी प्रेस करो ग्रेडियंट, और आपने अगर बेस कलर फिल किया हुआ है तो जब भी आप ग्रेडियंट फिल करोगे तो वो आपको वाइट कलर उसके साथ मिक्स करके देगा। तो आप वाइट कलर में हम चाहते हैं कि वो कलर जो यहाँ पे हमने कलर चूज़ किया है उसकी वैल्यू डबल क्लिक करेंगे, तो जो हमारे पास उसकी वैल्यू है कि यहाँ पे हम देखें 60 और येल्लो आपका 20, इतना इसके अंदर वेरिएशन है। तो डबल क्लिक करा, यहाँ से क्लिक किया, और यहाँ पे हम इस शेड को थोड़ा सा या तो मैनुअली डार्क कर दो, हम इसको डार्क करें, तो यहाँ से डार्क देखेंगे तो एक शेड दिखेगी आपको उसके अंदर। तो ये मेरे पास बढ़िया ग्रेडियंट है और मुझे यही सेम ग्रेडियंट यहाँ फिल करना है। तो आपको पता होगा यहाँ पे दो तरीके के कलर आईड्रॉपर होते हैं। इस कलर आईड्रॉपर का मतलब है कि आप इस कलर को पिक करना चाहते हैं और फिल करना चाहते हैं, और कलर एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि आप सेम ये एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ ग्रेडियंट फिल करा हुआ है वही ग्रेडियंट हम इन सब के अंदर देना चाहते हैं। हालांकि आपको शेड सबकी सेम मिलेगी, तो उस केस में आप ग्रेडियंट टूल लेके इस तरीके से उसका जो डायरेक्शन है बस वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको हमें कुछ शेड ऐसे चाहिए, इसको शेड किया, कुछ शेड ऐसे चाहिए। तो जैसे जैसे आप शेड देते जाएंगे अलग अलग स्टाइल मिलता जाएगा, और सेम बेस कलर में हम फिल कर देते हैं उसी कलर को जो हमारे पास बेस है, तो आपको वो एक अलग शेड मिल जाएगी उस सीन के अंदर। आपको लगता है कि वो शेड को थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको शेप को अलग अलग स्टाइल में ले जा सकते हैं कि हम इसको थोड़ा थिक करना चाहते हैं, तो वो जितना आप चाहते हैं उस तरीके से आप आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, और वो शेड उसके अंदर आ जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि लाइक ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट एरिया है जिसपे लाइंस हैं और एक तरीके का फ्रिल बना हुआ है, तो हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो लाइंस हैं और वो ऐसा शेप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से एक ग्रेडियंट सिंबल सर्कल लेता हूँ, एक शेप है और इसी की मैं कॉपीज़ कर लेता हूँ कंट्रोल आर। तो मैंने पहले क्या किया, एक सिंपल शेप बनाई रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा मूव किया कंट्रोल प्रेस करके किया जिससे सिमेट्रिकल चले, राइट क्लिक और कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर करके हमने एक तरीके से डुप्लीकेट्स कर ली बहुत सारे, सबको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ से फिर से चेंज करते हैं और सबको वेल्ड कर देते हैं, मतलब ये अब सब एक शेप बन गई जैसे इसके अंदर हमारे को दिख रही है। अब हम क्या करना है, हमारे को ये इसके अकॉर्डिंग हमारे को अलग कलर्स के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको रखा। और यहाँ पे आपके पास एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं एनवलप टूल, तो उस एनवलप टूल को यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे एनवलप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एक बाउंडिंग बॉक्स बना देगा। एनवलप टूल का मतलब है कि आप इस पूरी शेप को किसी पर्टिकुलर नोड के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपको ये जो बीच की दो नोड्स हैं उनको हटा दो पहले, और इनको आप मैनुअली कि लाइक इसको मैं शेप को यहाँ रखना चाहता हूँ और इस शेप को थोड़ा सा यहाँ फैलाना चाहता हूँ। तो जैसा आपका स्टाइल है, आप उस स्टाइल में चाहो तो कितने ही कर्व डिज़ाइन करके स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो अपने इन शेप्स की, और बहुत सारी आपको ऐसी ड्रेसेस मिलेंगी। तो मैं अभी के लिए यही मानता हूँ कि ये शेप और ये वाली जो शेप है ऑलरेडी, इन दोनों शेप से मैं इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आपका मेन शेप का काम हो गया है और इसके अंदर एक यहाँ पे आउटलाइंस क्रिएट हो गई हैं। तो इन आउटलाइंस को आप चाहो तो, अगर सेम कलर का ही चाहिए तो हम इसको डार्क कर लेते हैं। आप इनकी आउटलाइंस अगर हटा देते हो तो आपको वो देखने में कुछ इस तरीके का स्टाइल दिखेगा। आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमारे को, तो आपको इनको ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लो और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अलग अलग तरीके की ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हाँ इतनी ट्रांसपेरेंट मुझे चाहिए ये शेप जहाँ पे भी हम फिल करेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्टाइल आ गया उस ड्रेस का। और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हम ग्रेडियंट अब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रेडी है। तो यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करते जाओ, जितनी आपके पास शेप्स हैं जिस पे आपको स्टाइलिंग करनी है उन सब पे आपने सेम ग्रेडियंट दे दिया। अब आप यहाँ पे पिक करेंगे जी, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, यहाँ पे कुछ शेड ऐसी चाहिए। तो जो भी आपको जितनी थिकनेस आउटलाइन, ये सब एक तरीके की आर्ट है, आपको जैसा आपको ट्विस्ट चाहिए उसके अंदर कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्वीज़ हो रहा हो तो हम यहाँ पे वो फिल बनाना चाहते हैं, तो आप ग्रेडियंट को थोड़ा अलग स्टाइल में रख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा लेते हैं और यहाँ पे भी वही ग्रेडियंट होना चाहिए कायदे से। ये वाला भी मेरा थोड़ा आउटलाइन दूर जा रही है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता कि मेरे को ऊपर की तरफ स्क्वीज होना चाहिए डार्कनेस। और ये अगर यहाँ पार्ट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप दूर कर दो अपने ग्रेडियंट को, उतना ही आप उसको और अच्छे से विजिबल करा सकते हैं जो शेप है। अभी हमने शेडोज़ पे काम नहीं किया है जिससे हम डेप्थ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन शेप आपको दिखने लग गई होगी। और फिर से हम एट्रीब्यूट पिक करते हैं, क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, और उसी शेड का जो भी आपने एक बार कलर लिया है उस कलर के अकॉर्डिंग ही आप बस यहाँ से चूज़ करते जाएंगे। एक डिफरेंट स्टाइल चाहिए, पीछे का हमारे को थोड़ा स्टाइल डार्कनेस वाला चाहिए तो हम यहाँ से उसको डिफरेंट कर लेते हैं। ऊपर की आउटलाइन हमारे को, ये एक्चुअली ग्रुप में है इस वजह से ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल प्रेस करके ग्रुप के बिना भी जा सकते हैं और थोड़ा डार्क दे सकते हैं यहाँ पर, जिससे हम उसके अंदर और डार्क पार्ट क्रिएट कर दें थोड़ा सा। यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक भी कर सकते हो, इसी का डार्क वर्जन ऑलरेडी है यहाँ पर। यहाँ पे भी हम चाहते हैं थोड़ा सा ग्रेडियंट हो, और ग्रेडियंट में ये वाला जो पार्ट है जो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं उसको आप आई ड्रॉपर के थ्रू पिक करो सेम कलर और ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो। आउटलाइन हटा दो आप, इन सब में भी आपको ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज आपको कुछ ग्रेडियंट अलग तरीके से चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करके आई कैन ऐड ग्रेडियंट। ये हमने वेल्ड नहीं कर रखा है इसलिए हमारे को इंडिविजुअली क्लिक करना पड़ रहा है,
अगर हमने वेल्ड किया होता तो ये सब एक बार में भी फिल हो सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल रखो जब तक आपका वो ड्रेस फाइनल नहीं हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं यार वो स्टाइल अलग है, तो आप इस तरीके से आप चाहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी एक ग्रेडियंट की शेड और हो तो डबल क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट को और उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी डार्क और डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ इस तरीके से डेप्थ चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टाइल है तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ ग्रेडियंट और एक ही स्टाइल में रख लेता हूँ। सेम चीज यहाँ से भी सबको सिलेक्ट करता हूँ, ये सेम ग्रेडियंट है इसलिए आराम से इजीली हो रहा है, अगर कलर अलग होते तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये हमारे पास एक शेड तैयार हो गई है और अगर हम देखें साइड में रखें तो वो ड्रेस आपको इजीली विजिबल हो रही होगी कि किस तरीके की वो ड्रेस है। अगर हम ड्रेस पर बोलें कि ये आउटलाइन भी थोड़ी सी विजिबल हो रही है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ जिससे हम देखें, अब इसको साइड करके तो वो इस तरीके का हमारा स्केच दिख रहा है। तो अगर आप जैसे फ्लोरल या कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो फ्लावर्स आप यहाँ पे भी क्रिएट इजीली कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक फ्लावर के लिए ये बेस लिया और ऊपर की तरफ हमारे को शेप चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरीके की शेप ले लेता हूँ, डबल क्लिक कंट्रोल क्यू, इसको नोड को यहाँ पे रखता हूँ, इसको थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल प्रेस करके डुप्लीकेट किया और कुछ इस तरीके का हमारा फ्लावर आ गया। और इस फ्लावर को मैं ये जो पेटल है इनको मैं एक ही कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसी कलर के स्टाइल में ही चाहिए आपको। और ये वाइट को हम थोड़ा डार्कनेस में रखना चाहते हैं और इसको आप सेंट्रल ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो सेंट्रली आप रख के भी इसको अच्छे से बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो मुझे कुछ लगता है कि इस तरीके का स्टाइल अच्छा लग रहा है। बीच का पार्ट हम सेम यही डार्क कलर में रखते हैं, शिफ्ट पेज अप ऊपर की तरफ रखते हैं और आउटलाइन हटा देते हैं सपोज़ कुछ इस तरीके की। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लीफ और इस तरीके की भी चीज़ें हों तो लीफ बनाने के लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ से आप पॉइंट लो और यहाँ से थिकनेस कम कर लो। तो ये देखिए कितनी आराम से बन गई, कंट्रोल के यहाँ से हिडन कर्व हटा दो और ये हमारे पास एक लीफ हो गया। लीफ का कलर भी हम सेम इसी कलर में ही रखते हैं क्योंकि हमारे को चाहिए कि आप उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करो जो आपको लगता है कि इजी अवेलेबल है, क्योंकि हम कई बार टेक्निक के पीछे लग जाते हैं जिसके वजह से हम नहीं बना पाते हैं। तो सिंपल टेक्निक्स का यूज़ करो और इसको आप चाहते हैं थोड़ा सा मैं ग्रीनिश ऐड करना चाहता हूँ, तो ये हमारा फ्लावर है और ये हमारी बेल है और इसको मैं लीफ को थोड़ा सा इधर रखना चाहता हूँ, कंट्रोल पेज डाउन जिससे वो उसके पीछे रहे। इस पूरे फ्लावर को अगर मैं कोई शेप अलग रखना चाहता हूँ तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मियर और स्मज। स्मज के थ्रू भी हम चीज़ों को मैनेज करते हैं कि स्टाइल चेंज करते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि फालतू में इतना टाइम क्यों हम वेस्ट करें। हम पहले इस तरीके से, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर अलग भी हो शेड में तो हम यहाँ से कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं और यहाँ से पिक कर लेते हैं इसी कलर को और इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं जिससे वो फ्लोरल सेम ही लगे, ऑलमोस्ट उसी फैमिली का, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। एक पार्ट रेडी हो गया है ऑलमोस्ट इसके, तो मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ और इसी को ही मैं एज अ ट्रेल यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप चाहो तो कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम यही फ्लो यूज़ करना है आपको। आपको लगता है यहाँ पे लीव्स की ज़रूरत है कंट्रोल प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको लीफ है स्टाइल है उसको वैसा ही शेप दो जैसी उस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो। आप कुछ अलग तरीके के फ्लावर्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल फ्लावर्स के साथ आप डिज़ाइन करो उसको, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसा ही रख रहा हूँ कि मुझे कॉर्नर्स थोड़े से ज़्यादा शेप में चाहिए और यहाँ पे वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा तो मैं यहाँ ट्रेल थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ। मैं बनाने के कोई और स्टाइल भी ले सकता था लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल टेक्निक बताई है जिससे आप सब इजीली इसको बना सकें। हालांकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आपको लग रहा होगा लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्रेस के साथ में
काम करने में दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल चीज़ है। और बाकी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको अच्छी टेक्निक इसके बारे में पता चली है या कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ और ऐसी अच्छी अच्छी टेक्निक्स लेके आ रहा हूँ मैं। अब ये मेरी ड्रेस ऑलरेडी पूरी हो गई है और मैं अब यहाँ पे मेरे को पास जो बचा हुआ है वो पार्ट एक बेसिकली बस इतना सा पार्ट बचा है, मैं इसका एक बेस डिज़ाइन कर देता हूँ बिकॉज बेस मेरे को रिक्वायर्ड है। तो मैं सिंपल रेक्टेंगल टूल से ही डिज़ाइन कर लेता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल शेप लिया, सेम कलर ले लेते हैं और इसको मैं कंट्रोल पेज डाउन जिससे मैं इस ड्रेस के इसके बेस को नीचे कर सकूँ। तो आप कंट्रोल पेज डाउन करने के बाद कंट्रोल क्यू डबल क्लिक, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके यू कैन ऐड नोड ऑल्सो कि हम यहाँ पे नोड ऐड करना चाहते हैं थोड़ी सी, तो आपने यहाँ से नोड ऐड की और नोड ऐड करने के बाद इसको टू कर्व किया, इसको आप एक अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको जैसा स्टाइल चाहिए वैसा आप उसका बेस डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ चाहते हैं थोड़ा सा राउंडनेस तो मैं इस पर राइट क्लिक टू कर्व और इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा अप कर देता हूँ। सेम प्रोसेस इधर के लिए भी टू कर्व और इसको मैं इस तरीके से बेस लेता हूँ और टेंजेंट मेरे पास है, इस टेंजेंट को मैंने एडिट किया, इसको हम थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं जिससे वो शेप के पीछे विजिबल हो, और मैं यहाँ से इसको शेप को थोड़ा सा इधर टेंजेंट को डिफाइन करता हूँ, इसको इधर किया डबल क्लिक। अगर आपको थोड़ा सा नोड को एडिट करना है तो आप नोड ऐड कर दो, शेप हमारे पास फिल हो गई, आउटलाइन आप हटा सकते हो, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी दे सकते हो अगर आप देना चाहें, कलर आप सेम कलर भी रख सकते हैं और थोड़ा सा हल्की सी टेंट भी दे सकते हैं जिससे उसके अंदर डेप्थ हो, तो ये शेप देखने में थोड़ा सा और अच्छी लगेगी और स्टाइलिंग हमारे पास होगी। आप इनको भी डेप्थ आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक ये हमारा एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनको आप दोनों सबको एक ग्रुप बना लें और ये इसका एक ऊपर वाला पार्ट है तो आप इसको पिक करके एक ड्रॉप शेडो यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रॉप शेडो के लिए आपको सिंपली यहाँ से जाना है, ड्रॉप शेडो क्लिक करना है और इस तरीके से एक नोड डिफाइन कर दो तो जिससे डेप्थ यहाँ पे दिखेगी और इस डेप्थ की आउटलाइन को बहुत लाइट कर दो जिससे वो शेडो बहुत हमारे को डिम दिखे, बहुत ज़्यादा हमारे को नहीं चाहिए। और यहाँ से आप उसकी थिकनेस को भी कम कर सकते हैं कि हमारे को आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन चाहिए, तो यहाँ से आप डेप्थ आपके पास है और यहाँ से आपकी उसकी थिन, तो जितना आपको थिन चाहिए आप उतना डिफाइन करके उस चीज़ को एक तरीके से थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेरे पास शेप रेडी हो गई, ड्रेस मेरे पास रेडी है, शेड्स आ गया। नाउ कंट्रोल जी ग्रुप कर लेता हूँ और इसको विजुअली दिखाने के लिए मैंने एक डमी ऑब्जेक्ट ले रखा है कि ये भी मेरे को एक गूगल पे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन मिला, मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ कि जिससे मेरे पास ये एक सिंपल वेक्टर में आ जाए और मैं इस वाइट कलर को हटा सकूँ। तो मैं इस वाइट कलर को हटा देता हूँ और इस ड्रेस को इस डमी के लिए मैं रेडी कर लेता हूँ। तो मैंने इसका एक शेप डिफाइन किया कि ये मेरा एक डमी है और डमी को ड्रेस के ऊपर रखता हूँ, शिफ्ट पेज अप, और जो डमी है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ जिससे वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठे। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो ड्रेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है, जैसा आपका फैब्रिक है, स्टाइल है, उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और देखें कि किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को और हेल्प कर सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।